trees are green. Good morning, everyone. Just थोड़ा पहले उठा हूँ. Welcome to my new video. और आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है. Today, me and my friend have decided to track down this mountain and visit the old abandoned railway track. It's gonna be a little adventurous, so be in the video. ऊपर है मेरा घर और अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग. Meet my friend here. Good morning. अभी उठा. रिंगजे कॉल कर. रिंगजे नहीं उठाया मुझे. मैंने उसे जबरदस्ती उठा लिया. अकेला तो जाने मन नहीं था. अभी आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पर छोटा सा स्ट्रीम जहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं यहाँ के लोग. यहाँ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को. अभी इसी रास्ते से हम लोग को आगे बढ़ना है. ये बेसिकली एक डाउनहिल ट्रैक होने वाला है. मैंने तो जूता ऐसा कुछ भी नहीं पहना है. ये इतना दूर तो नहीं होगा. 30 मिनट्स का ट्रैक होगा शायद. ये आगे बढ़ते हैं. आदमी लोग ये रास्ते को इतना यूज़ नहीं करते. और जैसे कि देख सकते हैं लीव से भरा हुआ है रास्ते पर भी. और इतना सारा बैम्बू है यहाँ पर. हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. शो यू गाइस समथिंग. लास्ट ईयर आप लोग को याद होगा जो हादसा हुआ था दिमाहासो में, लैंडस्लाइड वाला. वो देख सकते हैं ऊपर से लैंडस्लाइड था. कोई यहाँ पर पूरा घर तबाह हो गया. ऊपर में वैसे वो दिबरा गैलरी का रोड है जो ऊपर में एंड रख सकते हैं. पर लैंडस्लाइड के टाइम कुछ भी कैजुअलिटीज तो नहीं हुआ सुना है. उस टाइम लैंडस्लाइड होने के पहले ही यहाँ पर घर छोड़ के भाग गए थे, इसलिए काफ़ी ख़राब घटना हुआ था. इस जगह पर मैं बहुत साल के बाद आया हूँ. मैं क्लास ए रिसो के बाद आया हूँ अभी फिर से यहाँ पर. और लैंडस्लाइड के बाद ये जगह पूरा एबंडन हो गया है. यहाँ पर घर था पहले, यहाँ पर भी था, कोई नहीं रहता है अभी यहाँ पर. और यहाँ से एक रास्ता होता था पूरा बंद हो गया है. यहाँ पत्थर पर हम लोग बैठे थे. अभी आगे बढ़ते हैं. काफ़ी कुछ बदल गया है जंगल में. पर पूरा जंगल हो गया है, कोई नहीं रहता है बोल के. पहले में तो ये सब बुशेस को काट के रखते थे. यहाँ पर टेरेस कल्टिवेशन था. अभी पूरा जंगल हो गया है. अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. यही है रास्ता. यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा बैम्बूस. और आगे बढ़ के हम लोग को ये 2-3 घर क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा. का जर्नी कुछ इतना टफ नहीं रहा. अभी डाउनहिल ना जा रहे हैं इसलिए इतना टफ नहीं है. पर भी ऊपर चढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा. पहले जब खेती का टाइम होता है तब यहाँ से ड्रेन काट के पानी लेके जाते हैं यहाँ के आदमी लोग. वहाँ पर आगे पर भी एक टेरेस कल्टीवेशन का एक स्पॉट है. वो देखने लायक है समर में, स्पेशली जब वो खेती का टाइम होता है तब. और अभी कंफ्यूज हो गया यहाँ से जाता है या यहाँ से. हम लोग यहाँ से तो नहीं जाएंगे, कुछ है वहाँ पर बताना नहीं चाहता. अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ से. ये रास्ता से रास्ता तो इतना श्योर नहीं है. पर भी वो रास्ता तो पता था. पर भी उस तरफ कुछ है वहाँ पर, इसलिए उस तरफ जाने मन नहीं है. अभी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. रिच टू 1 लैंडमार्क. यहाँ पर तो अभी भी शायद मतलब मेंटेन करके रखते हैं. यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा लग रहा है अभी. माय हार्ट इज सैड तो
बचपन में इस तरफ पर बहुत आते थे खेलने के लिए। अभी पता नहीं रास्ता है कि नहीं, और हम लोग बस पहुंचने वाला है ब्रिज। बस 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, कुछ 50 मीटर्स की दूरी पर ही होगा। इससे रास्ता अभी भी नहीं बदला, पहुंचने वाले हैं हम लोग बस। और वो देख सकते हैं ब्रिज, वो आगे पर है, पहुंचने वाला है। और उस साइड जो घर देख पा रहे होंगे वो साइड हो गया है अभी डिग्रिक। I see trees of green, red roses too. I see them bloom. मैं भी जा रहा हूँ आगे, चलो। और ये मैंगो ट्री अभी काट के थोड़ा ऐसा हो गया है, बहुत ज़रा मेमोरीज जुड़ा हुआ है यहाँ से। हम लोग यहाँ पर आके थक जाने में यहाँ पर बैठते थे। और यहाँ पर है छोटा सा स्ट्रीम, इस स्ट्रीम को क्रॉस करना पड़ेगा हम लोग को। अभी भी पानी के सरफेस पे थोड़ा फोगी फोगी ऐसा नज़र आ रहा है। को इस तरह से जाना है अभी, वो देख सकते हैं ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज है। मैं आपको पोस्ट के कब बना था ये सब थोड़ा बता दूंगा। और ऊपर देख सकते हैं ब्रिज, अभी ऊपर जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। दिस वॉज द ओल्ड ट्रेक लाइन पार्ट, जो जाटिंगा सिलचार ये सब जाता था, हारंगा जाओ ये सब। अभी पूरा रेल ट्रैक को भी निकाल दिया गया है। और इस तरफ है ब्रिज, ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। और ये है पुराना ब्रिज, और इस साइड जाने से, स्ट्रीट जाने से आप लोग को पुराना रेलवे स्टेशन जो लोअर हाफोंग था वो मिल जाएगा। अभी चलने लायक कंडीशन है कि नहीं पता नहीं, ऐसा है। आसाम got its first railway line in 1881 when the Assam Railway and Trading Company set up meter gauge track mainly used for transportation of tea and coal. A 65 km long meter gauge line was constructed from Dibrugarh to Margareet. And later railway also started coming to our district. During that time train used to run on coal, that is steam engine train. But later this bridge was fabricated in 1968, 21 years after our independence. Maybe with time passing by, the condition of this bridge started deteriorating. But maybe the pillar of this bridge belongs to the time of British rule in India. The locals can either use this bridge or climb the mountain and cross the river, but both become very risky during summer season. That's because the level of the river may rise and bridge becomes slippery during rains. लोग का हिम्मत को देख के हम लोग ने भी डिसाइड किया है, हम लोग उस पार जाने वाला है ब्रिज के उस पार। और आई एम टेकिंग एयर राइट नाउ। ये ब्रिज का हालत बहुत ख़राब है, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग को कैसा है नीचे। मैंने तो शूज़ भी नहीं पहना है, स्लीपर से ही आ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं अभी। And dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. और मेरे ख्याल से मेरा घर उस तरफ होगा, यहाँ पर छोटा सा पार्ट देख सकते होंगे अब लोग, वहाँ पर होगा। यहाँ के लोकल तो बाप रे बाप भाग के जाते हैं शायद ये रास्ते तो। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और नीचे देखिए, दिखा देता हूँ आपको। अभी आगे चलते हैं फिर से घर की ओर। वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अभी हम लोग फिर से घर की ओर जाने वाले हैं। और लास्ट व्यू देखिए आप लोग।
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।